दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ साथ एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार रुंगटा का जीवन इस बात का एक प्रभावशाली उदाहरण है कि विकलांग व्यक्ति अगर चाहे तो वह किस हद तक सफल हो सकता है और समाज में योगदान दे सकता है अगर उसे सही मौके दिए जाएं तो। श्री रुंगटा का जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 16 महीने की छोटी सी उम्र में चेचक के हमले ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली। 9 साल की उम्र में उनका दाखिला देहरादून के मॉडल ब्लाइंड स्कूल में हो गया। उन्होंने अपनी दृष्टि विकलांगता की चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना किया और एक मेधावी छात्र के रूप में उभरे। वो हमेशा अपने एकेडमिक करियर यानी बीए, एलएलबी और एलएलएम के दौरान विशिष्टता के साथ खड़े रहे। उन्होंने पाठ्येतर गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एक उत्कृष्ट डिबेटर के रूप में उन्होंने विभिन्न इंटर कॉलेज और इंटर यूनिवर्सिटी वाद विवाद में भाग लिया और कई ट्रॉफियां जीती। श्री रुंगटा ने 1980 में दिल्ली के न्यायालय में वकालत करने का पेशा चुना और कुछ वर्षों के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय और यहां तक के उच्चतम न्यायालय में भी अभ्यास करना शुरू किया। 1993 में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को आईएएस परीक्षा में बैठने की अनुमति देने और ब्रेल में या मुंशी की मदद से अपनी परीक्षा को सही करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की ओर से एक याचिका दायर की और व्यक्तिगत रूप से बहस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए। वो पिछले 35 वर्षों से देश में नेत्रहीनों के सबसे बड़े स्वयं सहायता संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के मुख्य पदाधिकारी के रूप में सेवा कर रहे हैं। वो 2012 से एशियन ब्लाइंड यूनियन के अध्यक्ष पद भी संभाल रहे हैं। वो यूएनओ के लिए विश्व नेत्रहीन संघ के कार्यकारी समूह के सदस्य के रूप में दुनिया भर में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की उन्नति में भी लगे हुए हैं। श्री रुंगटा के गतिशील व्यक्तित्व और उनकी व्यापक उपलब्धियां समाज में सार्थक योगदान देने की उनकी क्षमता का पर्याप्त रूप से प्रदर्शन कर रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे आप डाउनलोड करें और शेयर भी कर सकते हैं।